चैप्टर जो हमारा मैंने कल आपको रीड करवाया है चैप्टर 4, उसके कुछ सेंटेंसेस हैं जिनकी मैं आपको हिंदी लिखवा रही हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो मैं आपको उसकी हिंदी लिखवा रही हूँ, आप उसको साथ साथ लिखते जाइए हिंदी। यहाँ मैं संस्कृत भी लिख रही हूँ और साइड में आपको हिंदी लिख रही हूँ। अगर आपकी हिंदी साइड में नहीं आ रही तो आप ऊपर संस्कृत और नीचे हिंदी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखिए, आप अपने नोटबुक निकाल लीजिए जहाँ आपने कल वो मैंने आपको लट लखार लिखवाया, उसी के नीचे लिखनी है आपको हिंदी डाल के, ऐसे लिखना है हिंदी अनुवाद। अभी तो हमने ऐसे ही लिखा है थोड़ा समझने के लिए इस लकार को। ठीक है, मैं आपको सारे लकार के ये रीडर में करना है बेटा, रीडर का पार्ट चल रहा है हमारा। ठीक है, यस, हाँ जी, एक एक करके बोलो बेटा, ऐसे सबका माइक ऑन होगा, आवाज किसी की नहीं आती है। वो लिखना जरूरी था ये पूछ रहे हो? हाँ, वो बेटा चैप्टर समझने के लिए जरूरी था। ठीक है, जो चैप्टर हमने कल जो 4 पढ़ा है उसमें आपका लट लकार था, यानी आपको वो समझना था, इसलिए मैंने वो लिखवाया था आपको, आपने नहीं लिखा है। चलो, मैं आज उसकी पीडीएफ भेज दूंगी आपके पास। ठीक है, सभी के पास, सब लिख लेना। ओके, चलो, आप टाइम, यस बेटा, अनुवाद का मतलब होता है उसका हिंदी अर्थ, जो संस्कृत है उसका हम हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश में बोलते हैं ना, ट्रांसलेट करेंगे। यस, ऐप पे जा रही है, सारी वीडियो जा रही है बेटा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, हाँ, कोई भी आपको वीडियो और फिर भी कोई कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे फोन करके पूछ लेना। ठीक है, सारी वीडियो में सारी चीजें हैं आपकी बताई हुई है। ठीक है, तो वहां से कर लेना, फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ लेना। ओके, यस बेटा, तो आप अपने सभी अपनी बुक नोटबुक ओपन कीजिए और उसमें मैं जो लिख रही हूँ साथ साथ मेरे हिंदी अनुवाद, यानी जो संस्कृत के सेंटेंस है उसकी हम हिंदी लिखेंगे, ताकि आपको याद रहे, तब पेपर में जब वो सेंटेंस आए तो आप उसकी हिंदी इजिली लिख पाओ। ठीक है बेटा, हाँ जी, बोलिए। हाँ, ग्रामर अलग होती है, मीटर अलग होती है बेटा। ठीक है, लेकिन हम नोटबुक एक ही बना रखी है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा वर्क होता है लिखने का, इसलिए हम उसी नोटबुक में लिखेंगे, हाफ में रीडर और हाफ में ग्रामर। ओके, यस बेटा, क्या लिख, नहीं पीडीएफ नहीं आएगा, मैं नहीं भेज दूंगी यार पीडीएफ, तुम लीक कर जाते हो क्लास, बच्चे आते ही नहीं क्लास में, कोई पीडीएफ नहीं, अपनी वीडियो देखो और उससे करो। ओके, ठीक हाँ, तो लिखिए, जो हमने कल चैप्टर रीड किया था उसी की मैं हिंदी लिखवा रही हूँ आपको। ओके बेटा, तो ये सेंटेंस जो लिखे हुए हैं पेज नंबर 35 पे, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, फेयर में जय श्री, अपना माइक ऑफ करो, ये धर्मवीर कौन है, ये अपना माइक ऑफ करो। यस, फेयर नोटबुक में करना है चैप्टर 4 डाल के। यस बेटा, एक आवाज सुनाई नहीं देती एक बार में, सभी बच्चे सुन लो ध्यान से, फेयर में करना है। ओके, क्लियर? हाँ, यस, रीडर में चैप्टर 4। ठीक है, तो ये हिंदी हमारी, इधर हम लिखेंगे संस्कृत के सेंटेंस और इधर हम उनकी लिखेंगे हिंदी। आपकी नोटबुक में अगर दोनों नहीं आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले संस्कृत, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए तो बहुत अच्छा
अच्छा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, सहपट्टी, सहपट्टी किसका हिंदी अर्थ है? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद है तऊ पठक है, तऊ पठक है। वे दो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ते पठंती, ते पठंती। वे सभी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बेटा। तो ये तीनों आपके सेंटेंस है, सहपट्टी, वह पढ़ता है, दिखाई दे रहा है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तऊ पठता है, वे दो पढ़ते हैं। ते पठंती, वे सभी पढ़ते हैं। तीनों का अर्थ है ये। ओके नेक्स्ट जो है जो वो है बाल है किड़ती, किड़ती। वह बालक या वह लड़का खेल रहा है, खेल रहा है। वे देखो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था दोनों जो हमारे इंग्लिश में आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट होता है और एक होता है पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है ना, पढ़ा है आपने? हाँ, तो हमारे वो दोनों एक ही में होते हैं वर्तमान काल में, ताते भी और रहा है, रही है, रहे हैं भी, ठीक है। तो हमारे इसके लिए हम एक ही धातु यूज करेंगे, एक ही लकार यूज करेंगे, लट लकार। तो उसमें हम पढ़ता है भी लिख सकते हैं, या खेलता है भी लिख सकते हैं, या खेल रहा है, दोनों ठीक होंगे हमारे, ठीक है बेटा। तो दोनों क्रिया के लिए हमारा एक ही काल है वर्तमान काल, जो लट लकार है। ओके बेटा, इसके लिए हम अलग अलग नहीं यूज करेंगे, ठीक है। हाँ तो आप दोनों लिख सकते हो, समझ आ रही है ना ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ? रहा है, रही है, रहे हैं भी लिख सकते हैं, ता है, ती है, ते है भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया सभी को? हाँ यस बेटा। ओके तो नेक्स्ट है जो फिफ्थ सेंटेंस है आपका है वो, बालू संस्कृत के सेंटेंस है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी बुक में से देख सकते हो आप। ओके बेटा, तऊ बालऊ किड़ते हैं, वे दो लड़के, वे दो लड़के खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं, ते बालाहा क्रीडन्ति, बालाहा क्रीडन्ति। आप क्या वे सभी बाल लड़के खेल लड़के खेल रहे हैं। वे सभी लड़के खेल रहे हैं। यस बेटा, हो गया तीनों ये सेंटेंस आपके। नेक्स्ट जो है वो है आपकी हंस धातु, यानी हंसना, ठीक है। तो सा बालिका हंसती, सा बालिका हंसती। वह लड़की, आमिर बहन यानी लड़की के लिए, बहन लड़की ये हंस रही है या हंसती है। वह रही है बेटा। ये मेरे को एक बात बताओ आप लोग, ये आपको सह और सा का अंतर समझ आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है आपको? हाँ, सह किसके लिए यूज करते हैं हम?
ये सेट किसके लिए यूज होता है? वह कौन सा वह है, स्त्रीलिंग का या पुल्लिंग का? बहुत बताओ बेटा। हाँ ये हमारा पुल्लिंग के लिए होता है, ये हमारा स्त्रीलिंग के लिए। हाँ वेरी गुड, यस बेटी। ये पठंती, पठंती हाँ, वे सभी पढ़ रहे हैं, बहुवचन के लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है, हमारी पट धातु है। नेक्स्ट हमारा बेटा, सा बालिका हंसती हो गए, वह लड़की हंस रही है या फिर हंसती है, दोनों ठीक होंगे आपके। नेक्स्ट है एक नंबर से, ते बालिके, बालिके हंसत है, ते दो लड़की, लड़कियां हंस रही है। हाँ ठीक है, 9 नंबर पे आपका है बेटा, ताहा बालिका हंसती, वे सभी लड़कियां लड़कियां ये आपके सेंटेंस है। इसके बाद जल्दी कीजिए बेटा, अश्वेत धाती। नेक्स्ट जो है आपका है अश्वेय धावती, अश्वेय और धावती का मतलब दौड़ता, एक मिनट, दौड़ता है या दौड़ रहा है, दोनों ठीक होंगे। यस बेटा, सर ये जल्दी से, यस हाँ ठीक है, तो लिखो मैं नीचे और अश्वाऊ धावती, अश्वाऊ धावते हैं, दो घोड़े दौड़ते हैं, दो घोड़े दौड़ते हैं। बेटा नेक्स्ट है अश्वाहा धावंती, अश्वाहा धावंती, धावंती सभी घोड़े, दौड़ते हैं सभी घोड़े, दौड़ते हैं। नेक्स्ट है पत्रम पतति, पतति पत्ता गिरता है, गिरता है यानी एक पत्ता गिरता है बेटा। नेक्स्ट है आपका पत्रे पतत है, यहां तक दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड? दिखाई नहीं दे तो बता देना मेरे को, फिर मैं ऊपर लिखूंगी। ओके पत्रे पतत है, दो पत्ते गिरते हैं,
हैं, दो पत्ते गिरते हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट जो है आपका वो लास्ट है, चक्रम चलती, चक्रम होता है पहिया, ठीक है। 15 नंबर पे ठीक हो गया सभी का बेटा। हाँ जी मैं एक बार, यस हाँ, पत्ते हर्ड, हाँ सभी पत्ते गिरते हैं लिखेंगे, लेकिन अभी नीचे लिखा नहीं जा रहा है, ऊपर लिखूंगी मैं, यहाँ तक कर लो सभी बच्चे, फिर मैं ऊपर रफ करके ऊपर लिखती हूँ। हाँ नहीं आ रही है मेरी आवाज, आपको नहीं आ रही है? तो देखो इधर उधर थोड़ा हो जाओ, नेट की होगी ठीक है। यहाँ तक हो गया ये? फेयर नोटबुक में करना है, चैप्टर 4 में, रीडर में, ओके। अभी मैं इसकी पिक ले लेती हूँ, आप 1 मिनट, ठीक है बेटा। नहीं सेंड नहीं करूंगी मैं, आप लोग रिलीव करते हो क्लास। ठीक है कर देंगे तो ठीक है। 1 सेकंड रुको बेटा, मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ इसका, फिर उसके बाद अभी करती हूँ ठीक है। यस हाँ अब दिखाई दे रहा है, हाँ यस, जल्दी से करो तो 3 बच्चों का रह गया है ठीक है। यस बेटा जल्दी से करो कंप्लीट इसको, ऊपर वाली लाइनें ऑलरेडी रफ कर दी है, हमारी 3 ही लाइनें बची हैं। हाँ तो हमारी 3 लाइन बची है, वो मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये रफ कर दो, हो गया ये सभी का, ऊपर वाली 3 4 लाइन। यस ओके, तो जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, यानी जो हमारा 15 नंबर पे है, वो हम नीचे लिख रहे थे, अब हम ऊपर लिख रहे हैं इसको, क्या आएगा? पत्राणी, ये हमारा नपुंसक लिंग है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पत्रम पत्रे पत्राणी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पत्राणी पतंसी, 15 नंबर पे, पत्राणी पतंसी, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। सभी पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं, उसके बाद आपका चक्रम चलती 16 नंबर पे है, चक्रम, चक्रम होता है पहिया, चलती पहिया चल रहा है, या चक्र जो है वो आपका चल रहा है, पहिया सेकंड चल रहा है, क्या पहिया चल रहा है, चक्रम चलती,
है बेटा। सेकंड जो है वो किसी का सेकंड है, चक्रे चलत है, दो पहिए चल रहे हैं, एटीन पे है आपका चक्राणी, चक्राणी चलंती, सभी पहिए चल रहे हैं, ये आपके ये चैप्टर जो फोर था आपका, इसका हिंदी अर्थ है। तो आप इसको अच्छे से फेयर नोटबुक में साफ सुंदर लिख लो और उसके बाद ये आपको याद करना है, ठीक है। होमवर्क आपका यही है कि आपको ये सारे सेंटेंसेस लिखने हैं और याद भी करने हैं, ओके। यस, जल्दी कीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो बेटा, गलत नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। नीचे वाले तो सभी के नीचे वाले हो गए बेटा, सभी के यस। तो ये नीचे वाले रफ कर दूं मैं, ये नीचे वाले नहीं हुए हैं, ये टोटल हो गए 18, बस ये लास्ट था बेटा, आगे नहीं है अब, ओके। ये 18 ही तक, हाँ इतनी तक है। 15 पे, यहाँ पे पत्राणी पतंती, पत्राणी पतंती, सभी पत्ते गिरते हैं, ओके बेटा। अश्वाहा धावंती, सभी घोड़े दौड़ते हैं, yes। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? फोर्थ पे कहाँ है? फोर्थ तो हमने रफ कर दिया बेटा, दोबारा बताऊं? फोर्थ बालक क्रीड़ता है, वे दो बालक या लड़के खेल रहे हैं, बालक का मतलब होता है लड़के और बालिका का मतलब होता है लड़की, ओके। बाल है और बालक है, दोनों का मतलब लड़का होता है और लड़की का मतलब बालिका या बाला। माइक ऑफ रखो बेटा, हो गया तो माइक ऑफ करो। ये कौन है? धर्मवीर, क्या नाम है बेटा आपका? माइक ऑफ रखो बेटा, यस। हो गया सभी का कंप्लीट? अभी नीचे वाले, ये नीचे वाले रिरेज कर रही हूँ, वो जो कल हमने किया था उसको समझा देती हूँ, ठीक है, एक बारी फिर आप, ओके ओके। बस
ओके यस बेटा, जो जो मैंने कल आपको समझाया था, देखो ये चैप्टर मैंने आपको बता दिया, इसकी आपको हिंदी अपनी नोटबुक में भी लिखनी है और याद करनी है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। उसके बाद जो हमने कल किया था, जो धातु थी हमारी, वो आपने देखा है इसमें। देखो सभी सेंटेंस में आ रहा है ये, एकवचन में चलती, द्विवचन में चलत है और बहुवचन में चलंती, यानी ये हमारा सिर्फ कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है, ठीक है? तीनों लिंगों में है। लिंगों में हमारी जो धातु होती है, जो क्रिया होती है, वो चेंज नहीं होती, मैंने कल आपको बता दिया था, ठीक है? तो आपको क्या है, इसमें जो अगला चैप्टर होगा उसमें हमारा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। तो यहाँ हम सिर्फ हम किसकी पढ़ रहे हैं, जो क्रिया है, जो हमारी धातु है, वो सिर्फ प्रथम पुरुष की, पुल्लिंग के साथ, स्त्रीलिंग के साथ और नपुंसक लिंग के साथ सेम होती है। सिर्फ ये जो आपके कर्ता हैं ये चेंज होते हैं, क्रिया सेम रहेगी। ओके, ये क्लियर है सभी बच्चों को? तो कल जो मैंने आपको बताया था, लट लकार हमारा जो था, लट लकार का हमने वर्तमान था, तो हमने तीनों काल पढ़े थे, सॉरी तीनों पुरुष पढ़े थे हमने, पढ़े थे हमने तीनों पुरुष। कौन पहले था? वचन, एक वचन, ये सारे हमारे ये, हाँ द्विवचनम, द्विवचनम और बहुवचन। हाँ जी, वेरी गुड, बहुवचन, ठीक है। पुरुष मैंने आपको बताए हैं कितने पुरुष हैं संस्कृत में, प्रथम जो हम पढ़ रहे हैं, मध्यम यानी जो हमारा माध्यम है, और उत्तम यानी जो कहने वाला है, ठीक है? तो हमने इसमें बेटा क्रिया पढ़ी है, यानी वर्तमान काल, लकार जो हमारा है वो क्रिया है, धातु है। तो हमने बताया था आपको कि प्रथम पुरुष में आपको ती याद रखना है। देखो आपने सारी धातु में देखा है ना, ती सभी में आया है ना, वर्तमान फर्स्ट में, एकवचन में, हाँ, और इसमें आपको तय के बाद विसर्ग, ठीक है? तय के बाद क्या आएगा हमारा? विसर्ग। ठीक है, और हमारा ये आपका अंतिम, अंतिम ठीक है, अंतिम, ठीक है? ये हमारा क्या है, इसको याद करने का एक तरीका है। आप फिर इसके आगे, आप चाहे आपसे जितनी धातु भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, कोई भी धातु आपको याद करने की फिर जरूरत नहीं है। मध्यम पुरुष में मैंने बताया आपको सी है, बता दिया मैंने आपको आमी, आव है और आम है, ये कल बताया था आपको मैंने, ये सारी चीजें देखो ये हम पढ़ चुके हैं आज, सब में पढ़ा है ना आपने, ती तय अंति, ऐसे ही ती तय और ये अंति, सब में आया है ना, समझ आ रहा है ना आपको कैसे हो रहा है ये? हाँ, फिर आपने देखो सब में अलग अलग धातु लगाई है, इसमें पत, इसमें धाव, इसमें पत आपका चल, उसके बाद आपने जो पहले लगाई पट, खेलना लगाई क्रीड, दौड़ना, धाव, ऐसे ही। तो ये आपका, आप इसको ट्रिक को याद कीजिए और इसको लिख भी लेना सभी बच्चे, हम ग्रामर में जब लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आप इसमें फर्स्ट जो चैप्टर का हमारा जो है जिसको हमें, हाँ पहले ये लिखो फिर ये हिंदी अनुवाद लिखो, अगर हिंदी अनुवाद पहले लिख लिया तो ये बाद में लिख लो, क्योंकि ये चैप्टर हमारा इसी पे बेस है और फिर आगे वाला भी इसी पे ही है। अगले वाले में हमारा आएगा मध्यम पुरुष, ती ठ ठ, और फिर उसी में हमारा, यानी जो हमारा चैप्टर फिफ्थ है उसी में हमारा है आमी आवह, क्या क्या बोल रहे बेटा? पत्राणि पतंती, पत्राणि पतंती, ठीक है? सभी पत्ते गिरते हैं, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है बेटा, ठीक है? पत्राणि पतंती,
या दोबारा लिखूं? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, पूरा चैप्टर हमारा समझ आपको आ गया होगा। अब इसके वर्ड मीनिंग में सिर्फ आपकी धातु दी हुई है, तो कल हम वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज दोनों करेंगे, ठीक है बेटा? तो सभी बच्चे इस हिंदी अनुवाद को याद करेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है? सिर्फ आपको याद याद नहीं करना, इसको समझना है, क्योंकि हम इससे रिलेटेड एक टॉपिक करेंगे ग्रामर में धातु का, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से समझिए, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ओके बेटा? हाँ, तो और किसी को, हाँ और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। यस बेटा, यस बेटा, ये आपको इसी चैप्टर में करना है, चैप्टर 4 के साथ ही। अगर ये पहले कर लिए हैं आपने तो इसके बाद कर लो, ये कोई बात नहीं, ठीक है बेटा? हाँ, अब किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चैप्टर हमारा यहाँ तक का वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है, होमवर्क मैंने आपको बता दिया, ये लर्न एंड राइट करने हैं आपको। अब किसी को कोई किसी वर्ड में या किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो पूछ लो। यस बेटा, जिसका हो गया वो बच्चा, किसी को कुछ नहीं पूछना तो आप लीव कर सकते हो, ठीक है? जिसका नहीं हुआ है वो अपना लिख लेगा। हाँ जी, बाय बेटा। बाय बेटा। यस बेटा, हाँ जी, 18 तक लास्ट है, सभी पहिए घूमते हैं। ओके बेटा, बाय। हाँ, ये कर लिया था ना, उनके लिए नहीं है, जिन्होंने कर लिया था, जिन्होंने नहीं किया ना, कल बहुत कम बच्चे थे ना क्लास में, आज तो सही थे, तो उनके लिए है, उनको समझा भी दिया एक बारी। ओके ओके बेटा, दो तीन यस बेटा, आपका हो गया। जयश्री, निखिल, कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो फिर समझने नहीं बेटा, ये लिखना भी आपको, ये वाला नहीं, ये सारे तो लिखने हैं, ये हो गए। तो फिर क्या समझ नहीं आ रहा, पूछ लो।